हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिंह अंकिता रातेड़। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ और आज का कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और ये अभी अभी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू की है कि अब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है GST पोर्टल के साथ आपका डेटा शेयर करेगा। तो कौन सा डेटा आपका शेयर करेगा, कैसे करेगा और किस हद तक करेगा, कब से करेगा, तो वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑर्डर जिसके अंदर लिखा गया है कि वो अपना डेटा जो है GSTN के साथ शेयर करेगा, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सब बातों को, तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ासकर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि औरों को भी अवेयरनेस हो सके और जो भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न बिना GST डिटेल के रिकन्सिलेशन के भरते हैं तो वो अब से अपना पूरा का पूरा रिकन्साइल करके इनकम टैक्स का रिटर्न भरें, जिससे कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटा अगर आपका शेयर करता है तो वो आपका डेटा जो है मैच करना चाहिए GST पोर्टल की डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कर दीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलरली आपको टैक्स अपडेट जो है मिलते रहें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप से ताकि आपको ऐसे GST अपडेट रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि आपका कौन सा डेटा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शेयर करेगा GST पोर्टल के साथ और इसके लिए GST पोर्टल से क्या उसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी गई है, मांगी गई है। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑर्डर नंबर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी अभी इशू किया है। हम देखते हैं ये ऑर्डर जो कि CBDT ने इशू किया है 30 अप्रैल 2019 को, और इस ऑर्डर के अंदर उसने अपनी पावर जो सेक्शन 138(1)(a) के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दी गई है, उस पावर को यहाँ पे एक्साइज किया है और साथ में यहाँ पे CBDT ने इशू किया है और डायरेक्ट किया है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स। तो जो इनकम टैक्स सिस्टम के जो डायरेक्टर जनरल है और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है न्यू दिल्ली को, तो यहाँ पे उनको ये पावर दी है कि वो शैल स्पेसिफाइड इनकम टैक्स अथॉरिटी उन्हें रखा गया है फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग SSC टू द नोडल ऑफिसर ऑफ GSTN, यानी कि GSTN नेटवर्क के नोडल ऑफिसर के साथ ये डिटेल अब शेयर करेगा आपका प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम जो कि न्यू दिल्ली में है यहाँ पे, और जो डिटेल वो शेयर करेगा वो यहाँ पे सेकंड पैरा के अंदर मेंशन की गई है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो होगी वो बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ डेटा पे होगी और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल फील्ड्स जो है वो ITR के अंदर जो कैप्चर्ड हैं वो डिटेल यहाँ पे शेयर की जाएगी। तो सबसे पहली जो शेयर की जाएगी वो की जाएगी स्टेटस ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR, सेकंड आपका शेयर किया जाएगा यहाँ पे टर्नओवर, थर्ड आपका ग्रॉस टोटल इनकम, देन आपका टर्नओवर रेशियो और फिर आपका ग्रॉस टोटल GTI रेंज जो है आपका, फिर आपका टर्नओवर रेंज जो है और एनी अदर फील्ड्स जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है और डिसाइड किया जाता है नोडल ऑफिसर और जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल सिस्टम है या डायरेक्टर जनरल सिस्टम है, तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी के बीच में जो भी डिसाइड होगा तो यहाँ पे ये सात इंफॉर्मेशन जो है दी जाएगी और ये जो स्पॉन्टेनियसली एक्सचेंज ऑफ डेटा है वो डिसाइड किया जाएगा कि कब आप जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के बीच में ये डेटा एक्सचेंज होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ डेटा भी डिसाइड सिर्फ और सिर्फ जो ये अथॉरिटीज़ है उनके पास यहाँ पे पावर दी गई है CBDT से। और फिर यहाँ पे लिखा गया है वाइल फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन,
जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है शेल फॉर्म एन ओपिनियन, वो एक ओपिनियन शेयर करेगा, शेयरिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द स्पेसिफाइड अथॉरिटी इन GSTN टू परफॉर्म इट्स फंक्शन अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि वो अपना एक ओपिनियन जो है वो पहले बनाएगा, फिर उसे शेयर करेगा, जिसमें कि वो बताएगा कि इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना जो है वो क्यों ज़रूरी है और इससे GST नेटवर्क पे क्या इसमें हेल्प हो सकती है। थर्ड पैरा जो बोला गया है वो बोला गया है टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल वुड ऑल्सो एंटर इन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग में एंटर करेगा विद द नोडल ऑफिसर कि वो जो है जो भी एक्सचेंज ऑफ डेटा हुआ है उसकी प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, सेफ प्रिजर्वेशन रखेंगे जो डेटा शेयर हुआ है, और जब उनका यूज़ नहीं है तो उन्हें जो है पूरा कम्प्लीटली हटा देंगे। और इसके बाद जो टाइमलाइन रहेगी इंफॉर्मेशन फर्निश करने की, वो भी यहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल और जो GST का नोडल ऑफिसर है कंसल्ट करके यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे उस सेड MOU के अंदर। और ये कॉपी ऑफ MOU जो है वो डिवीजन को फॉरवर्ड की जाएगी ताकि वो उसका रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। और यहाँ पे ये इशू ऑलरेडी यहाँ पे अप्रूव हो गया है, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ CBDT, ये विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ CBDT है। तो ये था मेरा पूरा वीडियो अपडेट, जिसके अंदर जो है इनकम टैक्स जो अथॉरिटी है स्पेसिफाइड अथॉरिटी वो अब डेटा आपका शेयर करेगी, जो कि 7 डेटा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है GST नेटवर्क के साथ। और उससे जो है अब से स्क्रूटनी में आपके केसेस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, नोटिसेस बहुत बढ़ जाएंगे अगर आपका जो ITR का डेटा है वो मैच नहीं करता है GST पोर्टल के साथ। तो आप जो है अब से जो भी रिटर्न फाइल करें तो प्रॉपर रिकंसिलेशन के साथ, प्रॉपर टर्नओवर रिको प्रॉपर स्टेटस के साथ आप उसे फाइल करें, ताकि आपको जो है अनड्यू जो आपको हार्डशिप है वो फेस ना करनी पड़े। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इस इम्पॉर्टेंट ऑर्डर के बारे में, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में पता चल सके और उनकी भी हेल्प हो सके। हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करें CA अंकिता चैनल को और प्रेस करें बेल के आइकन पर इनकम टैक्स GST और CA से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री।